चरखे की एक तो डोरी सूफीस का रंग है जिसमें जो तेरा नाम पिरोया नींद बनी पतंग है दिल भरता नहीं आंखें रजती नहीं चाहे जितना भी दे खती जाओ तू थो थोड़ी देर और ठहर जा सोनिया और आज था डे टू और हमको जाना था मसाई मारा तो सोपा लॉज से हमने मार्च किया मसाई मारा के लिए अगेन वी वर बैक इन द लैंड क्रूजर्स एंड वी वर एक्साइटेड इन लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस प्लेस मसाई मारा बहुत फेमस है एनिमल माइग्रेशन के लिए इसका जो पीक सीजन है वो होता है जुलाई से सितंबर और इस समय इतना टूरिस्ट आता है यहां पर कि आपको रहने को जगह नहीं मिलती एंड एवरीथिंग बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव बहरहाल हम गए थे अक्टूबर के महीने में तो टूरिस्ट ज्यादा नहीं थे एंड वी हैड मिस द माइग्रेशन बट वी स्टिल वेरी लकी टू सी अ लॉट ऑफ एनिमल्स तो हमने स्टार्ट किया एंड वी ड्रोव इतनी लंबी ड्राइव थी इट्स अबाउट टू हंड्रेड फोर्टी किलोमीटर्स वी रियली गॉट टायर्ड बट हमारे जो टोनी साहब थे उन्होंने हमारा बड़ा दिल लगा के रखा रास्ते में ही केप टेलिंग ही टोल्ड एस हाउ द माइग्रेशन हाउ पीपल कम टू शूट हम लोगों ने ड्राइव uh, पूरा किया हम पांच घंटे बाद मारा पहुंचे सो वी रीच्ड मारा सिम्बा लॉज एंड दिस इज नेक्स्ट टू अ रिवर नाव हमारे को जो टोनी साहब थे हमारे जो ड्राइवर थे उन्होंने बताया कि दिस लॉज इज ओन्ड बाय इंडियन विच हु गुजराती एंड दिस लॉज इज वेरी ब्यूटिफुल सिचुएटेड दिस लॉज कम्प्लीटली वुडन इन स्ट्रक्चर यहाँ का जो रूम uh, थे यहाँ का जो डाइनिंग एरिया थाट आउट था, था यहाँ जो बार था रिसेप्शन था एवरीथिंग वॉज कम्पलीटली वुडन एंड वेरी ब्यूटिफुली सिचुएटेड हमको वी हैड क्विक लंच एंड देन वी अगेन हैड टू हेड आउट फॉर द सफारी तो फर्स्ट सफारी जो हमने किया वो इवनिंग में किया तो वी आर ऑल पैक्ड विद कैमराज एंड ऑल एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉर्वर्ड कि हमको कौन कौन से एनिमल देखने को मिलेंगे सो एज प्रमिस्ड हमारे जो टूर के जो गाइड थे और हमारे जो ड्राइवर साहब थे दे टुक अस अराउंड एंड वी वर वेरी हैप्पी टू स्पॉट दी हाइना वी वर हैप्पी टू स्पॉट द जिराफ गजेल वी वर द ब्लैक बग और वहां पर इतने तरह के बग्स थे इतने तरह के हिरन और डियर्स थे दैट वी वर रियली सरप्राइज कि इनको हमने एक्चुअली नेशनल जियोग्राफिक पे देखा हुआ था और ये पूरे के पूरे एक ग्रुप में माइग्रेट करते हैं आप पूरे के सारे एक साथ एक ग्रुप में चलते हैं मतलब आपकी आंखें इनसे हटती नहीं है इतना सुंदर था ये सो वी वीर एबल टू स्पॉट द लायन एंड अ एंड इट वॉज इन अ ग्रुप दो तीन लायन एंड लाइनस तो पेड़ के ऊपर थे बिकॉज शाम हो रही थी एंड दे लाइक आई थिंक रेस्टिंग फॉर द नाइट एक लायन था जो हमारे जीप के बहुत पास आ गया था आई वॉज ट्राइंग टू मेक अ वीडियो एंड आई वॉज वेरी स्कैड क्योंकि मेरी खिड़की के वो बहुत पास पहुंच गया था बट टोनी uh, ने हमको बताया जो हमारे ड्राइवर साहब थे कि नथिंग टू वरी इफ यू डोंट ट्रबल द एनिमल्स दे डोंट ट्रबल यू सो द एनिमल्स आर वॉकिंग सो क्लोज टू योर व्हीकल बट इट वाज इट लुक वेरी नेचुरल सो वी क्लेक्ट पिक्चर्स एंड वी क्लेक्ट वीडियो एंड वी वर वेरी एक्साइटेड इतनी सारी जीप्स और वहां पर इतने सारे लैंड क्रूज थे इतने सारे टूरिस्ट थे दैट इट वाज ऑलवेज सेफ एंड गुड टू ट्रैवल इन द इन द ट्रेल यू नो लाइक एक के पीछे एक लग के हम बहुत सारी गाड़ियां आ रहे थे एकदम द बेस्ट पार्ट वॉज सारे टूरिस्ट बिल्कुल शांत एंड सो एंडिप्लिन एवरीबडी द साइलेंस एंड द पीस और सब बिल्कुल इतमान से शूट कर रहे थे लायन को देखने के बाद थोड़ा अंधेरा हो गया एंड देन वी हेडेड बैक टू द मारा सिंबल लॉज एंड देन वी हैड डिनर एंड वी वेंट बैक टू स्लीप हमारे को टोनी साहब ने कहा था कि वी हैव टू मार्च वेरी अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग बिकॉज हमको अर्ली मॉर्निंग जाके एनिमल्स uh, को फिर से देखना था सो वी रिटायर्ड फॉर द नाइट एंड द नेक्स्ट वी वॉज सो एक्साइटेड हम लोग समय से पहले ही तैयार होके रिसेप्शन uh, एरिया में पहुंच गए हम लोग वापस से अपनी लैंड ट्रूस में बैठे और हम लोग निकल गए एनिमल्स को देखने के लिए वहां जाके uh, बहुत सुबह सुबह था और यू कूड फर्स्ट थिंग वी सॉ व जिराफ एंड देन वॉल्ड ईगल और उसके बाद हाइना योर ब्लैक बर्ग्स ऑल द एनिमल्स लाइक ऐसा लग रहा था कि सुबह उठ के सारे uh, सैर करने के लिए निकले हुए हैं फाइनली आफ्टर गोइंग अराउंड वी स्पॉटेड अ चीता

देन वी सॉ फैमिली ऑफ जिराफ इच लाइक स्ट्रोलिंग अलॉन्ग पांच छह सात जिराफ थे जो लाइन से चल रहे थे इन सबको देख के एक दिल को बहुत सुकून और बहुत खुशी होती है कि आपको लगता है कि आप इनको देखते रहें ये इतना सुंदर है बींग अ पार्ट ऑफ नेचर इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड आपका मन नहीं होता वहां से जाने का बट बाय द टाइम इट इज टेन ओ क्लॉक धूप बहुत तेज थी और हमारे को वापस आना था मारासिम्बल लॉन्च बिकॉज द सन वॉज वेरी हाई एंड इट वॉज नॉट पॉसिबल बिकॉज द एनिमल्स यूजली रिटायर इन दी बुशेज एंड अंडर द ट्री एंड यू कैनॉट स्पॉट दैम सो फाइनली वी रिटर्न बैक अराउंड टेन ओ क्लॉक एंड वी हैड अ लेट ब्रेकफस्ट एंड वी रेस्टेड फॉर अ वाइड अचानक से हमारे जो गाइड थे उन्होंने बोला कि देर इज अ मसाई ट्राइब इफ पीपल वॉन्ट टू विजिट दे कैन गो एंड विजिट दैम एंड द कॉस्ट वॉज ट्वेंटी डॉलर पर पर्सन तो हमको तो uh, कुछ चाहिए नहीं था वी we so सो एक्साइटेड पूरा दिन खाली था और अगला जो सफारी था वो फिर से शाम को शुरू होना था सो so, हमारी टीम ने डिसाइड किया कि हम लोग 12 से एक के बीच में एज प्लान वी विल गो and सी द मसाई विलेज बहुत उत्सुकता थी उनके बारे में जानने की उनको समझने की उनको देखने की उनके कल्चर के बारे में और uh, इतनी उत्सुकता कि हमारे मन में अजीब से सवाल आ रहे थे तो हम लोगों ने गूगल करके थोड़ा उनके बारे में पढ़ा एंड फाइनली बारह बजे वी ऑल हेरिड टुवर्ड्स मसाई विलेज तो मसाई कल्चर के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी जब हम विलेज पहुंचे तो हमने वहां देखा कि एक बाड़ा है लकड़ियों का जिसके बीच में ये पूरी फैमिली रहती है यहाँ पर एक हेडमैन है हेडमैन को अलाउड है उनके कल्चर में दस वाइफ रखना तो जो फर्स्ट वाइफ है वो बाकी नाइन वाइफ को सेलेक्ट करने में हेल्प करती है अब यहाँ पर काम बिल्कुल बटे हुए हैं जो मेल मेंबर्स हैं वो दो तीन काम करते हैं वो है एक हंट करना दूसरा गऊ चरा ले के लेके आना और उनकी प्रोटेक्शन करना और जो वाइव्स हैं वो क्या करती हैं वो घर बनाने का काम करती हैं वो आ, कुकिंग का काम करती हैं और बच्चों का पालन पोषण करती हैं तो काम बिल्कुल बटे हुए हैं आपको जान के ताजुब होगा कि जो मेल मेंबर्स हैं वो घर बनाने में बिल्कुल हेल्प नहीं करते तो जो लेडीज़ हैं उनकी हाइट ये सब बहुत टॉल होते हैं दे ऑल सिक्स अराउंड इन हाइट बट जो वेमेन हैं दे आर नॉट वेरी टॉल और ये अपने हाइट के हिसाब से घर बनाती हैं आपको इनका घर देखे थोड़ा सा ताजुब होगा क्योंकि ये बहुत ही छोटे घर होते हैं और इनकी हाइट भी बहुत कम होती है और आ, कमरे बहुत छोटे और पूरे घर में आ, एक दरवाज़ा है और सिर्फ एक मुट्ठी भर मतलब अगर आप देखें तो एक छोटा सा स्क्वायर है जो कि रोशनदान है उसमें भी उन्होंने लकड़ी लगा के उसको ब्लॉक किया हुआ है ताकि यहाँ से कोई भी जानवर अंदर ना आ सके आप इतना अंधेरा है अंदर सिर्फ रोशनी जो है वो बाहर सूरज की है तो जो पूरा बाड़ा बना हुआ था वो पूरा लकड़ी का बाड़ा था सर्कल था उसके बीचों बीच सारे जानवरों को जो पशु हैं उनके गाय हैं उनको रखा जाता है और बाहर उनके छोटे छोटे घर बने हुए हैं जहां पर ये वाइव्स वगैरह रहती हैं आपको जान के ताजुब होगा कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी है जहाँ पर उनके छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं और जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनको मिशनरी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाता है तो जो हेडमैन के बेटे थे बड़े जो हमको अपना पूरा ट्राइब दिखा रहे थे वो हमसे इंग्लिश में वार्तालाप कर रहे थे और बहुत अच्छी इंग्लिश में बात कर रहे थे उन्होंने पूरा ट्राइब दिखाया हमारे को अपना पूरा कल्चर के बारे में समझाया मसाई तीन प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं वो आ, मीट खाते हैं वो जो आ, मिल्क प्रोडक्शन होता है उनकी गाय से उसका कंजम्पशन करते हैं और वो साइंटिफिक तरीके से अपने एनिमल्स के गले में कट लगा के थोड़ा सा जो ब्लड आता है उसको भी कंज्यूम करते हैं हमको जानकर थोड़ा ताजुब हुआ तो हमने उनसे पूछा कहते नहीं ऐसा नहीं है दे गिव अ स्मॉल कट वहाँ से थोड़ा सा ब्लड दे टेक एंड दे ड्रिंक दैट ब्लड तो आ, थोड़ा सा अजीब हमको जरूर लगा बट दिस इज पार्ट ऑफ द कल्चर एंड दिस इज हाउ द ट्राइब एग्जिस्ट पानी का कोई स्रोत नहीं है और वो लोग नदी से पानी लेकर आते हैं और मसाले बिल्कुल यूज uh, नहीं करते हैं दे ओनली बॉयल दैट मीट इन द वॉटर एंड दे तो uh, हम जो कि बिल्कुल पास से एक लॉज से आए थे जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं खाने की और मसालों की तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे से पाँच uh, किलोमीटर दूर जो ट्राइब था वो बिल्कुल भी मसालों के बारे में अवेयर नहीं है तो दिस वॉज द एक्सपीरियंस ऑफ द मसाई विलेज बेस्ट पार्ट वॉज कि उन्होंने हमारे लिए एक डांस ऑर्गेनाइज किया हम सारे ऑल द लेडीज इन द ग्रुप वी वेंट एंड ज्वाइन द लेडीज वहां की जो लेडीज थी उनके साथ हमने डांस किया और यहाँ पर हमने जेंट्स के साथ भी डांस किया इनके कल्चर में एक बात और थी कि ये जो बॉयज uh, हैं इनके uh, इनका कल्चर है कि वेन दे हैव टू गो वेन दे हैव टू सेलेक्ट अ ब्राइड फॉर देम सेल्व गर्ल ऑफ इज चॉइस और बाकी की लड़कियां भी जो कहते हैं कि दे के पर्सन हू केन जम्प द हाइस्ट तो दे डेमोन्स्ट्रेटेड द डांस वी यू वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दल्चर और एक बहुत ही uh, मीठी सी याद थी हमारी तो 45 50 फिफ्टी मिनट स्पेंड करने के बाद और आ, उनके कल्चर में उनके साथ पार्टिसिपेट करने के बाद द लेडीज आउट देयर टेम्पटेड अस टू बाय सम सम ज्वेलरी देयर वहां बीच की ज्वेलरी बहुत फेमस है आर प्लास्टिक बीच और बहुत तादाद में बहुत तरह की आकृतियां और बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स वो लोग बनाते हैं हम लोगों ने थोड़े से आर्टिफैक्ट्स खरीदे और देन फाइनली वी केम बैक टू दी हमारा सिम्बल लॉज हमने रेस्ट किया और शाम को फिर से टाइम था हमारा सफारी जाने का यहाँ पर टेम्परेचर तेम्ट्र फ्लक्चुएशन काफ़ी है मॉर्निंग इवनिंग आपको एक जैकेट लगेगा और दोपहर का टाइम बेहद गर्म गर्म होता है वहां पर इट्स अबाउट 30 टू तो 35 फाइव डिग्रीज टेम्परेचर इन दी आफ्टरनून सो फाइनली वी हेडेड ट दी सफारी वंस अगेन और शाम को जाके हमारा एक ही मकसद था हमको चार फाइव जो बिग फाइव हैं उनमें से चार तो हमने स्पॉट कर लिए थे हमको रैनो देखने का बहुत मन था जो कि हमारे को नहीं दिखा बट एनी हाउ वी इवेंट थ्रूर सफारी अगेन रियली एंजॉयड द व्यू सॉ दिनिमल्स वंस अगेन एंड देन फाइनली वाइंडेड अप एंड केम बैक सो द मसाई मारा एक्सपीरियंस इज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस आप अगर जाएं तो जुलाई से सेप्टेम्बर में प्लान करके जाइएगा जहाँ पर आपको बहुत तादाद में एनिमल्स मिलते हैं और थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा बिकॉज देर आर सो मेनी है सेम टाइम सो दैट यू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू शूट द वीडियोज देर तो हमने मसाई मारा खत्म किया और नेक्स्ट डे हमारे को जाना था नैरो वापस तो so, हम मसाई से निकले और आज हमको वापस जाना था नैरो बहुत लंबी ड्राइव थी पाँच घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग पहुंचे नेहरूबी शहर और यहाँ पर हमको जाना था यहाँ के फेमस म्यूजियम में जो यहाँ का नेशनल म्यूजियम है वो इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर पूरी कल्चर और पूरी हिस्ट्री को दिखाया गया है फेमस फाइव जो है एनिमल्स वो यहाँ डिस्प्ले किए गए हैं यहाँ पर जो गैलरी बनाई गई है उसमें आपको केनिया का जो इंडिपेंडेंस था ब्रिटिश साम्राज्य से जो इन्होंने अपना इंडिपेंडेंस लिया उसका पूरा हिस्ट्री में वर्णन है यहाँ का एक हॉल तो इतना बड़ा है कि आपको इतनी सारी बटरफ्लाईस की प्रजातियां हैं कि आपको विश्वास ही नहीं होगा एक वो रूम था जहां पर इतनी सारी बर्ड्स थी तकरीबन 400 से ज्यादा बर्ड्स का इन्होंने डिस्प्ले पे इनको लगाया हुआ था और फाइनली हमको देखने को मिला द लास्ट वाइट राइनो विच वॉज स्टफ्ट इन द म्यूजियम दिस स्पीशीज इज इज नाउ एक्सटिंक्ट वेरी स्पीशी म्यूजियम ये जो लौकी है जिसको सुखा के इन्होंने तरह तरह के कंटेनर बनाए हुए हैं जिसके अंदर ये लोग अपना खाने पीने का सामान रखते थे इतनी वेराइटी के uh, आपको शेल्स देखने को मिले लौकी के दैट यू आर वेरी एक्साइटेड टू सी हाउ पीपल हैव है थिंग्स दैट आर अवेलेबल इन नेचर एंड यूज देम फॉर देयर ओन पर्पज यहाँ पर जो पहनावे थे वॉरियर्स के हमने वो देखे बीज से बने हुए हैं बोन से बने हुए हैं फेदर्स के बने हुए हैं सो एनीबडी विजिटिंग नेरोबी आई हाईली रिकमेंड दैट यू मस्ट गो टू द म्यूजियम एंड सी द कल्चर एंड द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द इंटायर नेशन देयर विच इज सो ब्यूटिफुली डिस्प्लेड म्यूजियम देखने के बाद इट वॉज टाइम फॉर लंच वी वेंट टू होटल आईबिल एंड वी हैड द मोस्ट डेलिशियस लंच एंड आफ्टर हैविंग लंच वी फाइनली रिटायर्ड टू द होटल कॉनकॉर्ड विच इज अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी एंड वी रेस्टेड फॉर द इवनिंग तो नेक्स्ट डे हमको जाना था विक्टोरिया फॉल्स देखने के लिए जो कि है दूसरी कंट्री में जिसका नाम है जिम्बाबे और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी अपनी साउथ अफ्रीका ट्रिप के अगले एपिसोड में So, do stay tuned and please do like, subscribe, and share my channel. And thank you for watching Dr. Neeta's Travelverse.